अरस्तु कला को भौतिक रूप में एक सच्चे विचार की प्राप्ति के रूप में परिभाषित करता है। वह समझाते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से नकल या अनुकरण को पसंद करते हैं, और जब भी हम जो भी देखते हैं और उसके हम उसके पहले से जानने हुई चीज़ों को देखते हैं, तो जो पहले से जानते हैं और जो देखते हैं उनके बीच समानताएं पहचानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं। पहचानते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है। प्लेटो के बिल्कुल विपरीत, जो मानता है कि कला सत्य से 3 कदम दूर है, अरस्तु ने अपने निकोमैचियन एथिक्स में कला को सच्चे कारण के साथ एक रचनात्मक आदत के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे शब्दों में अरस्तु के अनुसार सत्य और कला एक दूसरे से ही संबंधित हैं। अरस्तु सौंदर्य समरूपता है ऐसा कहते हैं। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य समरूपता है। प्राचीन यूनानियों के लिए सौंदर्य कोई व्यक्तिगत रुचि का मामला नहीं था। अरस्तु के अनुसार अक्षरशः सुंदरता को मेजरमेंट भी किया जा सकता है, मापा जा सकता है, नापा जा सकता है। मेटाफिजिक्स में वह कहते हैं कि सुंदरता के मुख्य रूप क्रम और समरूपता और निश्चितता है, जिन्हें गणितीय विज्ञान एक विशेष अंदाज में प्रदर्शित करता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे अरस्तु एक एक चीज़ को मेजरमेंट करने की बात करते हैं, उसके मापन की बात करते हैं। अरस्तु के अनुसार कला एक अनुकरण या नकल है। अरस्तु ने माइमेसिस को पूर्णता के रूप में और कला को प्रकृति की नकल के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि कला केवल नकल नहीं है, बल्कि यह परिपूर्ण, कालातीत और बनने के विपरीत अस्तित्व की खोज में गणितीय विचारों और समरूपता का उपयोग भी करता है। वे कहते हैं कि कला का उद्देश्य चीज़ों के बाहरी स्वरूप को नहीं, बल्कि वस्तु के आंतरिक महत्व को प्रस्तुत करता है। यानी दार्शनिक अरस्तु कला को जीवन की नकल के रूप में देखते हैं, और वह अपने लेखन में भी कला को वर्गीकृत और मूल्यांकन करने के कई तरीके को विकसित करते हैं। क्या क्या विकास किया है अरस्तु ने कला को परिभाषित करते हुए, उसमें सौंदर्य की उपस्थिति को किस प्रकार विश्लेषित किया है, आइए हम जानते हैं। कहते हैं कला को अरस्तु ने एक सच्चे विचार के रूप में, बाहरी रूप में, एक एहसास के रूप में परिभाषित किया है, और इसका पता अनुकरण के उस प्राकृतिक प्रेम से लगाया जा सकता है जो मनुष्यों की विशेषता है, और उस खुशी से जो हम समानता को पहचानने में महसूस करते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु को हम अचानक से देखते हैं और उस वस्तु को पहचान करते हैं कि अरे ये तो टेलीफोन है, ऐसा टेलीफोन मैंने वहाँ भी देखा था। अब वो देखी हुई चीज़ जब हमको पूरा चित्र में दिखती है, कलाकृति के रूप में दिखती है, तो हम उस रिकॉग्निशन को पहचान कर आनंद की उपलब्धि करते हैं, और एक कला वस्तु के रूप में उसे देखकर आश्चर्य भी व्यक्त करते हैं। तो ऐसी ही बात अरस्तु कहते हैं। हालांकि कला केवल नकल करने तक ही सीमित नहीं है, यह प्रकृति को आदर्श बनाता है और उसकी कमियों को पूरा करता है। यह व्यक्तिगत घटना में सार्वभौमिक प्रकार को समझने का प्रयास करता है। यानी कोई आर्ट ऑब्जेक्ट को में आपने कोई इंडिविजुअल चीज़ बनाया, तो उस इंडिविजुअलिटी को ये वैश्विक स्तर पे, सार्वभौमिक स्तर पे समझने में मदद करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए काव्य और कला और इतिहास के बीच, अरस्तु कहते हैं कि काव्य, कला और इतिहास के बीच अंतर यह नहीं है कि वह एक मीटर का उपयोग करते हैं, एक मेजरमेंट के तरीके का उपयोग करता है और दूसरा नहीं करता है, बल्कि अंतर यह है
कि इतिहास केवल वहीं तक सीमित है जो वास्तव में घटित हुआ है। कविता या कला चीज़ों को उसके सार्वभौमिक चरित्र के रूप में विकसित करती है, चित्रित करती है, और इसीलिए कविता या कला इतिहास से अधिक दार्शनिक और अधिक उन्नत है। इस तरह की नकल या अनुकरण लोगों को आमतौर पर अन्य लोगों की तुलना में या तो बेहतर या बदतर रूप में प्रस्तुत कर सकती है, या यह न तो औसत मानक से आगे बढ़ सकती है और न ही नीचे गिर सकती है। तीसरी जो मुख्य मूल्यांकन करते हुए बात कहते हैं अरस्तु जी कि कॉमेडी मानवता के सबसे बुरे उदाहरणों की नकल है। कॉमेडी के विषय में वे कह रहे हैं कि कॉमेडी क्या है, तो कॉमेडी को कहते हैं कि मानवता के सबसे बुरे उदाहरणों की वह अनुकरण है। हालांकि इसे पूरी तरह से खराब होने के अर्थ में नहीं समझा जा सकता है, बल्कि केवल तब तक समझा जा सकता है जब तक कि जो नीच है और नीच है, जो हास्यास्पद है वो और ज़्यादा हास्यपूर्ण में प्रवेश कर जाता है। दूसरी ओर चौथे मूल्यांकन श्रेणी में कहते हैं वे कि दूसरी ओर त्रासदी एक गंभीर या सार्थक और अधिक या कम विस्तारित या दूरगामी कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा प्रतिनिधित्व जो कार्यवाही से प्रभावित होता है, न कि केवल कथन से। यह उन घटनाओं को चित्रित करके फिट किया जाता है जो पर्यवेक्षक के मन में भय और दया को उत्तेजित करते हैं, ताकि इन भावनाओं को शुद्ध या अशुद्ध किया जा सके और उसकी सहानुभूति को बढ़ाया या नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार यह जुनून का मधुर इलाज है, एक तरह से कहें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, थोड़ा आराम से इसकी इलाज होती है। जहाँ तक कला आमतौर पर विशेष घटनाओं और त्रासदी को सार्वभौमिक बनाती है, भावुक और गंभीर स्थितियों का चित्रण करती है, पर्यवेक्षक को स्वार्थी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बाहर ले जाती है और उन्हें सामान्य के संबंध में देखती है, ये सब बातें अरस्तु के सौंदर्य की प्रतिमान हैं, सूचक हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अरस्तु के जो सौंदर्य दृष्टि के कुछ विचार हैं आपको प्रेषित हुए होंगे, आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल ये सामग्री आपको मदद दे करेगी। परीक्षाओं में से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अरस्तु की जो सौंदर्य दृष्टि के चार बातें मैंने बताई मूल रूप से, जिसमें त्रासद को उन्होंने विशेष रूप से कल्पनीय बताया, अनुकरण कला को बिल्कुल अनुकरण माना, और इसके मूल्यांकन हेतु जो मेजरमेंट के तरीके बताए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।